यशोधरा पुलिस थाना द्वारा गुप्त जानकारी के आधार पर अवैध गुटखा बिक्री का पर्दाफाश किया गया, जहां डीबी पतंग द्वारा की गई कार्रवाई में लगभग 10 लाख का अवैध माल बरामद किया गया है। दरअसल सुबह के दौरान ऑटोमोटिव चौक से संदिग्ध ट्रक गुजरने की गुप्त जानकारी यशोधरा पुलिस थाना को प्राप्त हुई। मिली जानकारी के आधार पर डीबी पतंग द्वारा ईटा भट्टी चौक पर संदिग्ध ट्रक को दबोचा गया, लेकिन मौके से ट्रक ड्राइवर भागने में सफल रहा है। संबंधित ट्रक से गुटखे की 55 बोरियां बरामद हुई है, जिनकी कुल कीमत 5 लाख बताई जा रही है। लगभग 10 लाख का ट्रक और 5 लाख का गुटखा, ऐसा 15 लाख का माल इस कार्रवाई के दौरान बरामद किया गया और आगे की जांच जारी है, जिसकी जानकारी दी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक एम भेड़ुरकर ने। आज सुबह करीबन 10 बजे के दरमियान में हमारे डीबी पतक को एक जानकारी मिली थी कि ऑटोमोटिव स्केयर से होती हुई एक संशयास्पद वाहन जा रहा है ईटापट्टी चौक की तरफ। उसने पाटलाक किया गया है और वो गाड़ी पकड़ी गई थी ईटापट्टी चौक में, और वो गाड़ी का ड्राइवर वहाँ पे भागने में सफल हो गया था। वो गाड़ी में दो ही हमारे अमलदार थे और दोनों के अमलदार ने जो गाड़ी पकड़ लिए थे वो उसकी छानबीन की, तो उसमें पूरा गुटखा भरा हुआ था। गाड़ी में करीबन 55 बोरिया माल मिला है, 5 लाख का माल है और गाड़ी की 10 लाख की कीमत से कुल मिलाकर 15 लाख का माल हमने जब्त किया गया है। एफडी विभाग को हमने जानकारी दे रहे हैं और उनकी तरफ से लेकर उनके कानूनी कार्रवाई की जाएगी, और जो भागने में सफल हो गया है ड्राइवर उसकी भी तलाशी जा रही है, उनको उसको भी जल्द से जल्द हम अटक कर लेंगे। सर, ये कार्रवाई कितने बजे की है? करीबन 10 बजे के दरमियान की कार्रवाई है आज सुबह की। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष डेमरे की रिपोर्ट।